हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी मार्केट एक कंप्लीटली साइडवेज रेंज में ही क्लोज हो गई। दोस्तों, अब मार्केट में हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या लेवल्स रहने चाहिए, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम निफ्टी पाएंगे, तो निफ्टी में कल भी एक हमें कंसोलिडेशन रेंज मिली थी पूरा दिन, और आज भी कहीं ना कहीं आज तो हमारी पूरी क्लोजिंग भी कंप्लीटली कंसोलिडेशन रेंज में ही हो गई। अब मैंने दोस्तों, आप जैसा कि देख पाएंगे, कल मैंने आपको क्लियरली एक चीज अपनी वीडियो में मेंशन करी थी, और आज सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जैसा कि आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि हमारा जो निफ्टी है वो रनिंग मार्केट में 17,000 के लेवल को अगर ब्रेक देगा तब हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर उसने गैप अप ओपनिंग के बेस पे हमारा 17,000 के लेवल को ब्रेक करा तब हम कहीं ना कहीं मार्केट को ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी 17,000 के लेवल को गैप अप ओपनिंग से ब्रेक कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में ही ये सब चीजें बता दी थी। तो दोस्तों, ये सब चीजें, अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग तो मार्केट ने दे दी, बट एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो पूरी मार्केट में पूरा दिन बनता रहा, और कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स का स्टॉप लॉस ही हिट होता रहा। अब कल के दोस्तों हमारी निफ्टी के अंदर क्या रणनीति रहनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो निफ्टी में कल मैं पॉजिटिव साइड के लिए तो ट्रेड करना कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव साइड में मेरा कोई रिस्क टू रेशो रिवॉर्ड नहीं बन पा रहा है। अगर निफ्टी कल इस रेंज, एक मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूं, इस रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं ओपन होता है, ठीक है, और रनिंग मार्केट में ब्रेकआउट करता है 17,000 के लेवल को नीचे की साइड पे, तब मैं कहीं ना कहीं वापस से निफ्टी के अंदर एंटर हो सकता हूं, और बहुत अच्छा खासा टारगेट मैं निफ्टी के अंदर, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 16,800 के लेवल का, वो मैं इंट्राडे में अचीव कर जाऊंगा। दोस्तों, निफ्टी के अंदर मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि कल भी मैंने आपको बताया था कि रनिंग मार्केट में ब्रेकआउट होना 17,000 के लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल पाएगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों मेरे अंदर, मैं कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं लेकर आया, बैंक निफ्टी ने आज कहीं ना कहीं अपना जो लो बनाया था, एक कंप्लीटली साइडवेज रेंज में तो बैंक निफ्टी चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज होने से 5-10 मिनट पहले बैंक निफ्टी ने अपने लो को भी ब्रेक कर दिया। ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सिग्नल है। अब दोस्तों कल जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन होना, बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइडवेज रेंज में ही बैंक निफ्टी ओपन हो और उसके बाद एक कंप्लीटली हमें ब्रेकआउट दे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही ये दोस्तों हमारा ब्रेक करेगा 35,050 के लेवल का, हम इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड के लिए जो एंटर हो सकते हैं, और जो अपना फर्स्ट टारगेट है दोस्तों वो मैं इसकी प्रीवियस जो जहां पे सपोर्ट फाइंड करा था, एग्जैक्टली आपका 34,720 का लेवल, वहां तक अपना फर्स्ट टारगेट लगा के चल सकता हूं। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की ओपनिंग बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्री मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होगी, किस लेवल पे होगी, ये सब चीजें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स स्टॉक्स की लिस्ट पे, जो बेस्ट 4 इंट्राडे के स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप देखेंगे तो एग्जैक्टली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आज हमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, आप सिर्फ मेरी एनालिसिस के बाद, मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुद की भी एनालिसिस करें, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आज मार्केट जैसे कि एक कंसोलिडेशन रेंज में क्लोज हुई है, तो उसकी वजह से आज हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं उनके अंदर हमें कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो जिसको हम दोस्तों थोड़ा नैरो रेंज पैटर्न्स कहते हैं, जिनके अंदर मार्केट थोड़ा सा फंसता है, उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिलता है। तो आज मेरे को कहीं ना कहीं हमारे 4 में से 3 स्टॉक में एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ ट्रायंगल देखने को मिला, और मैं वही स्टॉक आपके लिए लेके भी आया हूं। आप दोस्तों देखेंगे सबसे पहला स्टॉक जो हमारा बजाज फाइनेंस है उसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें मिल रहा है। अब जैसे ही कल हमारे ये लेवल्स का ब्रेक देगा, अगर पॉजिटिव साइड पर हमें ब्रेक देता है, तो मैं वेट करूंगा कि आपका 6,940 का लेवल ब्रेक हो, और अगर ये नेगेटिव साइड पे ब्रेक होता है तो 6,900 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। दोस्तों टारगेट में जो दोनों साइड पे लगा के चलूंगा अपना, जो टारगेट मेरा रहेगा फर्स्ट 1:2 का रहने वाला है,
और जो सेकेंड टारगेट है मैं 1:2.5 का इसके अंदर इजिली ग्रैब करके चल सकता हूँ। अब स्टॉप लॉस की मैं इसके अंदर आपसे बात करूं तो स्टॉप लॉस आप ज्यादा बड़ा ना रखते हुए अपना अराउंड 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि आपका CDSL। CDSL की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो CDSL में कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें इसमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों बजाज फाइनेंस में जैसा कि आपको दिखा कि आज आज की कंसोलिडेशन थी वो, बट CDSL में आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक दिन की नहीं, ये हो गया आपका, आप देखेंगे ये एक दिन की पूरी कंसोलिडेशन, ये दूसरे दिन की कंसोलिडेशन, ये आपकी तीसरे दिन की, और आज के दिन ये चौथे दिन की कंसोलिडेशन। दोस्तों 4 दिन से ये इस सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ही ट्रेडिंग चल रहा है। तो अब हमें कल इसका हो सकता है कि जैसे कि एक एंड होता हुआ दिख रहा है हमें ये पैटर्न, जैसे ही हमें कल ब्रेक देगा हमारा, अगर पॉजिटिव साइड पे ब्रेक देता है तो मैं वेट करूंगा कि मेरा 1500 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही 1500 का लेवल ब्रेक होगा मैं पॉजिटिव साइड के लिए एंटर होऊंगा। बट अगर ये नेगेटिव साइड पे चलता है दोस्तों और मेरा ब्रेक करता है 1480 के लेवल को, तब मैं कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली ग्रैब कर सकता हूं और एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मेरे को नेगेटिव साइड पे भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस की इसके अंदर मैं आपसे बात करूं तो टारगेट आप इसके अंदर ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, अपना 1:1:2 का टारगेट सिंपली लगा के आप इसमें दोनों ही साइड पे एग्जिट हो सकते हो। स्टॉप लॉस की मैं आपसे इसके अंदर बात करूं तो स्टॉप लॉस आपका ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, अराउंड 5-6 रुपीज का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रख के चल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे जो कि हमारा एक बहुत मेजर स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलिवर। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलिवर में मैं आपको एक क्लियर पहले प्रोजेक्शन बताना चाहूंगा, मैं आपको सीधा लेवल्स और टारगेट नहीं देना चाहूंगा। आप देखेंगे तो इसमें पहले प्रोजेक्शन अगर हम समझेंगे तो एग्जैक्टली आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलिवर एक काइंड ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हमें बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सपोर्ट पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ जी, अगर आप सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट पे एक काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और आज इस कंसोलिडेशन मार्केट में भी इस स्टॉक ने हमें अराउंड 1% की मूव दी है। और अब इसमें आप देखेंगे तो क्लियरली एक चीज दिख रही है, एक काइंड ऑफ ये इसका कप बन गया, ये इसका हैंडल बन गया, ठीक है। एक कप एंड हैंडल का पैटर्न हमें दिखता हुआ मिल रहा है जहां से प्रीवियसली एज अ सपोर्ट इसको फाइंड कर रहा था, और काफी टाइम बताया दोस्तों इसने, अराउंड आपका 29 नवंबर से यहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है और आज आपका 1 महीना ही हो गया दोस्तों करीब करीब। तो जैसे ही ये यहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट कर रहा है एज अ रेसिस्टेंस इसको ये प्रोवाइड हो रहा है। अब जैसे ही दोस्तों कल ये ब्रेक देगा आपका 2310 के लेवल का, हमें एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और जो हम अपने टारगेट रखेंगे, टारगेट हम इसमें अपना फर्स्ट 1:2 का रख के चल सकते हैं, और अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं तो आप अपना इसमें टारगेट 1:2.5 का भी इजिली ग्रैब कर जाएंगे। अब इसमें दोस्तों स्टॉप लॉस की मैं आपसे बात करूं तो स्टॉप लॉस आप ज्यादा बड़ा ना रखते हुए अराउंड 9-10 रुपीज का स्टॉप लॉस इसके अंदर रख के चल सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए लेके आया हूं, वो है आपका टाटा एलेक्सी। दोस्तों टाटा एलेक्सी की मैं आपसे इसमें बात करूं तो इसमें मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, सिंपल जैसा कि प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है बार बार, वही प्रोजेक्शन इसके अंदर अभी हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा बड़ी चीजें नोटिस करेंगे तो इसमें आपको एक काइंड ऑफ नोटिस हो रहा होगा कि एग्जैक्टली इसने अपने सपोर्ट जोन से, अगर मैं इस ट्राइंगल को ना मानू और मैं यहाँ पे एग्जैक्टली एक ड्राइंग बनाऊं तो आप देखेंगे तो अपने प्रीवियसली सपोर्ट जोन पे ही कहीं ना कहीं इसने ये पैटर्न फॉर्म करा है, जिसको हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का नाम देते हैं दोस्तों। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, सिंपल आपको दिख रहा होगा कि एक पैटर्न बन रहा है ये, और इसमें भी इसने सिर्फ एक दिन नहीं अराउंड आप देखेंगे तो 2-3 दिन ये इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ हमें दिख रहा है। अब जैसे ही दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रेंज अब बिल्कुल ही कंप्लीट होती हुई हमें दिख रही है, जैसे ही ये कल हमें ब्रेक देगा अगर इसको पॉजिटिव साइड पे जाना है तो ब्रेक करना होगा 5515 के लेवल का। बट अगर ये नेगेटिव साइड पे ब्रेक देता है दोस्तों हमें, तो हमें वेट करना है कि हमारा जो लेवल है जो कि 5466 का लेवल है, इन दोनों में से कोई लेवल ब्रेक हो। जैसे ही इन दोनों में से कोई लेवल ब्रेक होता है हमें जो हमारा टारगेट है जो कि हमारा 1:2 का फर्स्ट रहने वाला है, और जो सेकेंड टारगेट है वो 1:2.5 का हमारा रह सकता है, वो इंट्राडे में अचीव हो जाएगा।
बट दोस्तों जो इसमें हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, वो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा दोस्तों हमें बड़ा लगा के चलना पड़ेगा, जो कि हम इसमें अराउंड अपना 20 to 25 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंट्राडे के स्टॉक्स। आई होप मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया होगा प्राइस एक्शन की कल हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, और प्री मार्केट की दोस्तों सेशन, प्री मार्केट का सेशन हमें जो भी इंडिकेशन देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।